अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कहीं के एम्प्लॉय हैं और आपका ईपीएफ डिडक्ट होता है, अनसेव होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। जी हाँ, ईपीएफ एक ऐसा डिडक्शन है जो आपके भविष्य निधि के लिए, पेंशन के लिए पैसा जमा कराती है गवर्नमेंट, और उसका एक प्रमुख नियम भी है। उन नियमों के अनुसार आपका ईपीएफ अगर हर महीने आपके अकाउंट में जमा होता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसका बेनिफिट आपको देती है, तो इसके बहुत सारे ऐसे नियम और फायदे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं खास 8 बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका ईपीएफ अकाउंट है और हर महीने आपके पैसे जमा होते हैं, तो वो बेहतरीन 8 फायदे जो शायद आपको ना भी मालूम हो। जी हाँ, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को अब शुरू करते हैं और जानते हैं ईपीएफ और ईपीएफ के फायदे। ईपीएफ का फायदा नंबर 1, ईपीएफ अगर आपका कटता है, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर आपका कटता है आपके कंपनी के द्वारा, इसका मतलब है कि उसका ठीक उतना ही भाग कंपनी भी आपके अकाउंट में जमा कराएगी। बेसिकली ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के साथ साथ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस भी जमा होता है। आपका जितना भी बेसिक सैलरी है, उस बेसिक सैलरी का 12% आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है, जो ईपीएफ में जमा होता है, और जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके बिहाफ में 12% देती है, वो ईपीएस में जमा होता है। ईपीएस का कॉर्पस हमेशा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू बनता है। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी के थ्रू आपकी पेंशन स्कीम बनती है। बेसिकली पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, जिसकी उम्र सीमा कम से कम 58 वर्ष है। 58 वर्ष के बाद पेंशन चालू होती है। पेंशन का अमाउंट कम से कम 1000 रुपए प्रति महीना तो होता ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ईपीएफ में कम से कम 10 साल की नौकरी और 10 साल का कॉन्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तुरंत पता कीजिए कि वहाँ ईपीएफ का ऑप्शन है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप ईपीएफ का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलते हैं आगे फायदा नंबर 2 पे। किसी भी कंडीशन में आपके पैसे जमा हो रहे हैं और अगर आपने नॉमिनी की डिटेल नहीं दे रखी है, तो इसे अब ईपीएफओ ने मैंडेटरी कर दिया है, आपको नॉमिनी की डिटेल देनी ही है। और इसका एकमात्र रीजन ये है कि किसी भी कंडीशन में दुर्घटना होती है जिसकी वजह से ये पैसे आपको नहीं मिल सकते, तो वो पैसा आपके डिफाइंड नॉमिनी को दे दिया जाएगा, और नॉमिनी होना जरूरी है। फायदा नंबर 3 की बात करते हैं, जिसका नाम है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, वीपीएफ। जी हाँ, वीपीएफ का नाम शायद आपने सुना भी हो और ना भी सुना हो। वीपीएफ बेसिकली आपका वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। आपकी बेसिक सैलरी का 12% तो ऑटोमेटिकली जाता है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपको अपने पीएफ स्कीम में, ईपीएफ स्कीम में ज्यादा पैसे सबमिट करने, ज्यादा पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करना है, तो आप खुद भी वॉलंटियरली अपने ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस कर सकते हैं कि आपके अकाउंट से ज्यादा पीएफ के पैसे काटे जाएं और कॉन्ट्रीब्यूट किया जाए। फायदे नंबर 4 में बात करते हैं पैसे की निकासी और पैसे के जमा से रिलेटेड। पैसे का जमा होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अभी नौकरी में हैं। जी हाँ, जब आप नौकरी में होंगे तभी ईपीएफ अकाउंट में आपके पैसे जमा होंगे। अगर आप नौकरी में नहीं हैं तो आप ईपीएफ में पैसा नहीं जमा कर सकते। हालांकि इसका एक ऑप्शन है, ऑप्शनल है, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो किसी बैंक के थ्रू आप ले सकते हैं। उस पर भी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा किसी और दिन। अभी बात करते हैं ईपीएफ के बारे में। तो ईपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए आपका नौकरी में होना जरूरी है। लेकिन एक दूसरी फायदे की बात कि अगर किसी वजह से आप नौकरी में नहीं है और 2 महीने से ज्यादा हो चुका है नौकरी खोए हुए या नौकरी छोड़े हुए, तो आप ईपीएफ के पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ आपको आकस्मिक निकासी का भी ऑप्शन देता है। अगर आपको नौकरी करते हुए 7 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं, तो आप अपनी जरूरतों के लिए, वैसी जरूरत जिसमें आपको कहीं और से पैसा नहीं मिल पा रहा है और बहुत ही जरूरी, जैसे घर में शादी है, कोई बीमार हो गया है, मेडिकल अर्जेंसीज हैं, इन सब चीजों के लिए आप ईपीएफओ में एप्लीकेशन दे के नौकरी करते हुए भी 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। ये था नियम नंबर 5, यानी कि आप आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। नियम नंबर 6 में बात करते हैं इस पे मिलने वाले इंटरेस्ट के बारे में। जी हाँ, ईपीएफ मार्केट में वन ऑफ द ऐसा अकाउंट है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है जो गवर्नमेंट और नेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें करंट रेट 8.15% का है ईयरली, और 8%+ इंटरेस्ट रेट वाले मार्केट में सेविंग अकाउंट्स तो नहीं है। तो ईपीएफ एक ऐसा अकाउंट है जहां अगर आपका पैसा जाता है तो आपका पैसा भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है। ध्यान रखिए, इसमें ईपीएफ पे ग्रोथ मिलती है, ईपीएस पे नहीं। जो पेंशन स्कीम होती है उस पे नहीं, आपके द्वारा जमा किया गया पैसे पे ही आपको ग्रोथ मिलती है, लेकिन ये ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। और 7वां इंपॉर्टेंट नियम, शायद आपको ये पता नहीं होगा कि ईपीएफ के ऊपर आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, जिसे EDLI बोलते हैं, यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस।
बेसिकली एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस में 7 लाख रुपए तक का कवरेज आपको मिलता है। यूजुअली आपके बेसिक सैलरी का 35 गुना या मैक्सिमम अप टू 7 लाख रुपीज का इसमें कवरेज होता है। किसी कंडीशन में अगर व्यक्ति नहीं रहता है तो उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए व्यक्ति को यानी नॉमिनी को बेसिकली ये 7 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद आपको ना पता रहा हो, तो ध्यान दीजिए, नॉमिनी को जरूर ऐड कीजिए और EDLI का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको नहीं दिया जा रहा है। तो पता कीजिए कि क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट देता है, और नहीं देता है तो आप रिक्वेस्ट करके EDLI का बेनिफिट तो जरूर ऐड कराइए अपने EPF अकाउंट के ऊपर। ध्यान रखिए इसके लिए कोई आपको एडिशनल चार्जेस नहीं देने होते, सिर्फ यही है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको इंश्योरेंस नहीं देती है तो EDLI के थ्रू भी आप इंश्योर्ड हो सकते हैं। और आठवा और सबसे इंपॉर्टेंट, शायद इसकी जानकारी आपको ऑलरेडी होगी शायद ना भी हो, टैक्स रिडक्शन। अगर आप टैक्स पेयर हैं, ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं और आपकी सैलरी इतनी ज्यादा है कि टैक्स जोन में आप आते हैं, तो इसका 80C के अकॉर्डिंग रिडक्शन हो जाता है। यानी कि आपका ओवरऑल जो टैक्सेबल अमाउंट है, उस टैक्सेबल अमाउंट में से जितना भी EPF में जमा हुआ पैसा है वो माइनस कर दिया जाता है, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको टैक्सेबल अमाउंट में लिया जाता है। यानी कि अगर EPF में आपके पैसे जमा हो रहे हैं तो आपको टैक्स में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ जरूर मिला होगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उससे मेरा प्रोत्साहन होता है, मेरा उत्साह बढ़ता है, और अपने उन दोस्तों से इसे शेयर कीजिए जिनको इसकी जानकारी नहीं है। इसी उम्मीद और प्यार के साथ एक बार फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।